आइए आज हम और हमारे छोटे बड़े सभी कलाकार संजय स्टूडियो मटसेना के बीच में विराजमान हैं। ये दीपावली के उपलक्ष्य में श्याम सुंदर भैया और संजय इनका सम्मान करने हेतु सबको यहाँ इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ विराजमान है सबसे पहले कुमारी सुधा, पवन भैया, राहुल शास्त्री, बबलू शास्त्री, कुमारी लक्ष्मी शास्त्री, उमेश मास्टर और तेजवीर शास्त्री जी, कौशल शास्त्री, जेपी शास्त्री और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है हमारे परम पूजनीय यानी पंडित उमाकांत जी महाराज और अजय भैया, अजय शास्त्री जी। और मैं तो आपका सबका जमा पहचाना हूँ। तो ये लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के सबसे पहले और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बहन यानी कुमारी सुधा आए और संजय स्टूडियो को धन्यवाद देकर के उनके स्टूडियो को सफल बनाए और आए स्टेज पर। आज संजय स्टूडियो मटसेना के माध्यम से जो हमारे बड़े भाई हैं श्याम सुंदर भाई और हमारे रिकॉर्डिंग करते हैं संजय मिल्या, आज हमें यूट्यूब पर जो कोई देखता है, गाने सुनता है, मैं सभी भैया को धन्यवाद करती हूँ दीपावली की शुभकामनाएं। और जो कोई भी टूटे फूटे जो शब्द हमें बताए हैं जो हमारी गुरु रेखा शास्त्रन जी हैं उनकी कृपा से आज हम संजय स्टूडियो में विराजमान हैं। सभी भाइयों को राम राम जी, जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि हमारी बहन छोटी यानी कुमारी सुधा भविष्य में आगे बढ़े और भगवान इनकी हर कामना को पूर्ण करते रहे। उनका कितना सुंदर जवाब जो भी जनता जनार्दन इस संजय स्टूडियो के माध्यम से हमें देखती है, उन सभी को उन्होंने अपनी तरफ से दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के लिए राधे राधे। तो बहन का बड़ा ही सुंदर विचार। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं पवन शास्त्री जी। तो पवन भैया जी आए और दो शब्द जो भी हो संजय स्टूडियो के सौजन्य में रखें। हेलो सभी भाई बंधु, जो भी हम हमारे बुजुर्ग लोग हैं सभी को मेरा आराधे राधे। और आज इस संजय स्टूडियो में हमारे हमसे बड़े हमारे बड़े भाई आज एकत्रित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी हमारे संजय स्टूडियो के फॉलोवर्स हैं सभी से मेरा अनुरोध है ऐसे ही हमारे संजय स्टूडियो को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार पवन भैया जी की ओर से। तो देखिए कितने सुंदर विचार रखे। भैया जी का कहना है कि यहाँ पर सबसे उन्होंने अपने को छोटा दर्शाया कि मैं सबसे छोटा हूँ और मुझसे सब शास्त्री जो भी यहाँ बैठे हैं वो विराजमान हैं। तो भैया आप कितने सुंदर विचार भैया जी के रहे कि जब तक छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा कहाँ से हैं। तो भैया जी के सुंदर विचार कि जब छोटा नहीं तो बड़ा कहाँ से आया। और तीसरे नंबर पर हमारे बीच में विराजमान है यूट्यूब पर आजकल ये बहुत ही तहलका मचा रहे हैं बबलू शास्त्री जी। तो बबलू शास्त्री जी आए और अपने विचार रखें कि संजय स्टूडियो के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दीपावली के शुभ अवसर पर या
विराजमान हमारे सभी हमसे बड़े भाई, जैसे कि हमारी बहन कुमारी सुधा शास्त्री, भैया पवन शास्त्री जी, राहुल शास्त्री जी और बहन जी लक्ष्मी शास्त्री जी और हमारे महासाव उमेश जी और भ्राता श्री तेजवीर सिंह शास्त्री जी, कौशल जी और बड़े भ्राता जेबी शास्त्री जी और हमारे गुरुदेव के कावल कुमार शंकर महाराज जी, अजय भैया जी, सबसे पहले मैं अपने हृदय से सभी को नमन करता हूँ। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो आपके सामने इतना समय नहीं है, जो हमारे भैया सोनू जी ने समय रखा है कि जो भी संजय स्टूडियो में हमारे सांसद भैया जी ने सम्मान के अवसर पर सभी को बुलाया है सम्मान के तौर पर, तो हम तो प्रभु से आशा आकांक्षा करते हैं कि जितने भी हमारे जो संजय स्टूडियो के फॉलोअर हैं, इसी प्रकार से हमारी नई वीडियो देखें और खूब सराहे स्टूडियो को आगे तक ले जाएं। और बात करते हैं, हमारी भैया ने बताया कि यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं, सभी आपकी कृपा है, आप लोगों ने प्यार किया है, आपका सम्मान मिला है। और मैं कोई ऐसा गायक नहीं हूँ, थोड़ा सा देहाती फोक गायक हूँ, ना कोई विद्वान हूँ, छोटा मोटा गायक हूँ। इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, राधे राधे, जय कृष्ण। देखिए आपके मध्य में बबलू भैया जी ने बड़े सुंदर विचार रखे, क्या कहा उन्होंने शास्त्री जी कि मैं कोई शास्त्री नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा गायक हूं। मैं इस भैया को धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इनके शब्दों का मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं कि देखिए शास्त्री होकर के भी शास्त्री को अपने को शास्त्री नहीं कहा। आज ये देखे होंगे कि दो कीर्तन दो भजन गाना सीख गए और अपने को शास्त्री लिखते हैं। और ये प्रश्न मैं आपके सामने अभी रखूंगा थोड़ी देर बाद में कि शास्त्री की परिभाषा क्या होती है, वो आपके समक्ष अभी कुछ हमारे विद्वान लोग बाकी हैं, वो आएंगे और उनके सामने ये बात रखेंगे हम लोग। तो शायद हम ये कामना करते हैं कि शायद हमारे इस टेंशन जो हृदय में भरी हुई है उसका शायद निवारण होगा। इसी श्रृंखला में आगे कुमारी लक्ष्मी शास्त्री, कुमारी लक्ष्मी शास्त्री जी आपके मध्य में है, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और आकर के संजय स्टूडियो के उपलक्ष्य में दो शब्द रखें, उनकी अर्थ कर पाऊंगी। सभी श्रोता मेरी तरफ से राधे राधे। और जो ये दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं पर हमारे रिकॉर्डिंग करता संजय भाई वह श्याम सुंदर भैया जी, जो भी ये दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं पर ये खुश मंगल का दिन जो आया है, तो देखिए मैं कोई बड़ी गायक नहीं, कलाकार नहीं, आपके सामने छोटी मोटी एक बेटी हूँ, जो भी बोलती हूँ वो भी सभी आपकी भाई बंधुओं की, बड़े पितातुल बुजुर्गों की कृपा है जो आज तक यहाँ तक में आई। और आप सभी की कामना से, आप सभी की आशीर्वाद से मैं यहाँ तक बढ़ती आई हूँ और आगे बढ़ती रहूंगी। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद बहन जी के सुंदर विचार रहे कि आपकी कृपा से कोई अपनी कृपा से बढ़ नहीं सकता है। जो प्राणी अपने अहंकार से कहता कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा, वो कभी जीवन में बढ़ नहीं सकता है। बढ़ने वाला वो ही होता है तुम्हारा, जिसको समाज, जिसको जनता बढ़ाती है, जिसको माता पिता
परिवार, गांव, क्षेत्र और दुनिया का प्यार मिलता है, केवल वही बढ़ सकता है। और बेफतूली में जो कहते हैं कि मैं बढ़ रहा हूँ, महाराज वो जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता है। तो मेरी ओर से कहना होगा, इसी श्रृंखला में आपके बीच में शास्त्री उमेश मास्टर जी आएंगे और दो शब्द इस संजय स्टूडियो के माध्यम से बोले कि संजय स्टूडियो की क्या विशेषताएं हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हम उनसे कर रहे हैं। मास्टर जी आए और आकर के अपने विचार रखें। आज इस दीपावली के पावन शुभ अवसर पर संजय स्टूडियो मर्सेना के स्वजन से सभी साथी शास्त्री उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि पंडित उमाकांत शास्त्री जी के पावन श्री चरणों में कोट कोट नमन। बाकी साथी जो कलाकार बैठे हुए सबको राधे राधे। आज संजय स्टूडियो के स्वजन से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं संजय स्टूडियो के, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सबको दीपावली की दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। संजय स्टूडियो मक्सेना को आप अपना प्यार इसी प्रकार देते रहें। जय श्री राधे, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद महासाब के लिए। महासाब जी ने कितने सुंदर विचार रखे कि इस स्टूडियो को सभी कलाकार इसी तरीके से सहयोग देते रहें, उनकी मदद करते रहें। तो शायद ये स्टूडियो आज इतना छोटा है और एक दिन ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि महाराज इस स्टूडियो का नाम शायद यूपी छोड़ो पूरे भारत में इसका नाम होगा। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि महासाब आप जैसे लोगों की और हमारे छोटे बड़े सभी गायक कलाकारों की ओर से ये प्यार मिलता रहे और संजय भैया का स्टूडियो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। आगे इसी श्रृंखला में हमारे बड़े भक्ता श्री यानी तेजवीर माधव जी, तेजवीर माधव जी गांव से कहरा यानी सेंगरी से तो आए और संजय स्टूडियो के उपलक्ष में दो शब्द रखे, उनकी महान कृपा होगी। जय श्री राधे। इस दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को, जितने भी संजय स्टूडियो से हमारे भाई बहनों और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, उनके लिए केवल हमारी ये भावना है, इसकी तरफ थोड़ी कृपा करें और अपनी छाया में इन्हें रखें, अपना एक सहयोगी समझें, प्रेमी समझें। और मैं ज्यादा कुछ को नहीं, मेरे यहाँ पर साथीगढ़ बैठे हुए हैं जैसे बबलू भाई हैं, पंडित उमाकांत महाराज जी हैं और हमारे छोटे भैया सोनू हैं और काफी लोग हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि छोटों के और बड़ों के सभी के हमें आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले और इनकी अगर ऐसी ही कृपा मिलती रहे तो संजय स्टूडियो की तरफ और समाज की तरफ इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहें और जितना भी अपना सहयोग होगा उन्हें इनके विचारों में जोड़ते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। इसी श्रृंखला में आगे कौशल शास्त्री जी आए और संजय स्टूडियो के उपलक्ष्य में दो शब्द और दीपावली के उपलक्ष्य में दो शब्द रखें। तो सर्वप्रथम संजय स्टूडियो मर्सेना में उपस्थित सभी शास्त्री मंडल, सभी के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए सभी को कोट कोट प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज जो भी हमें गाने का या
यह बोलने का अवसर मिला है ये सभी हमारे बड़े दाताओं के आशीर्वाद से ही, और जो संजय स्टूडियो में हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है ये सभी हमारे भाइयों के आशीर्वाद के कारण मुझे इतना प्यार मिला है। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से राधे राधे, और सभी संजय स्टूडियो के दर्शकों को मेरे दिल से हैप्पी दिवाली, और सभी भाइयों को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी के लिए। भैया जी के बड़े ही सुंदर विचार रहे। इसी श्रृंखला में आगे हैं गांव जैतापुरी से हमारे दाता यानी जेपी शास्त्री जी उर्फ जय प्रकाश शास्त्री। तो जेपी शास्त्री के नाम से ये विख्यात हैं। तो जेपी शास्त्री जी आए और आकर के अपने विचार रखें। जेपी शास्त्री जी से मेरा एक अनुरोध होगा उनके लिए थोड़ा सा। मैं देखिए YouTube पर दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि किसी को ऐसा अनुभव न हो कि मैं किसी शास्त्री से कोई पॉइंट या प्रश्न कर रहा हूं। उनसे मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि वो आकर के केवल ये बताएंगे, पहली बात तो संजय स्टूडियो को उपलक्ष्य में बोले, दूसरी बात उनके लिए मैं ये कहूंगा कि जो शास्त्री दूसरे शास्त्रियों का अपमान करते हैं, जैसे अपने को बढ़ाते, जैसे मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूं, और जैसे मैं कहता हूं कि सारे शास्त्री मुझसे बिल्कुल नीचे हैं, तो क्या मैं ये सही कहता हूं? इसका निर्णय और जेपी शास्त्री जी के मुखारविंद से होगा। हेलो सभी बैठे हुए उपस्थित अपने से सम्मानित बड़े भाईजन श्रीमान परम आदरणीय गुरुदेव पंडित उमाकांत जी महाराज, इनकी छत्र छाया में आज तक हम पहले बड़े हुए, इनकी गोद में खेल करके आज हम इस स्थान पर हैं। बहुत बड़ा सहयोग है, वैसे रिश्ते भी हमारे बाबा जी हैं और बुजुर्गों का सम्मान अपने हमेशा करते रहे। सभी संजय स्टूडियो के फॉलोअर्स हैं, उनको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। संजय स्टूडियो के दर्शक बंधुओं से अनुरोध, हमेशा जैसे प्यार हमेशा से संजय स्टूडियो को दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहे, यही हमारी आशा है, यही आकांक्षा है। दूसरी बात, छोटे भाई हैं संजय, बड़ा अच्छा काम करते हैं, रिकॉर्डिंग भी अच्छी है, और हम सभी अपने भाइयों से जो आज यहाँ स्टूडियो में विराजित हैं, जो आने से वंचित हैं, वो नहीं आ सके हैं किसी कारणवश, उनसे सभी से भी हमारा अनुरोध है कि संजय स्टूडियो का सहयोग करें, ऊंचाइयों तक ले जाएं। दूसरी बात, हमें वैसे मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए और बोलने का इच्छुक भी नहीं हूँ कि चाहते हैं कि मुझे किसी के टिप्पणी में बोलना पड़े, लेकिन उन्होंने मुझे पॉइंट दिया है, सम्मानित है, और सम्मान के साथ उस पॉइंट के बारे में बोलना हूँ। देखिए दीपावली आपके बीच में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विजय श्री प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या के लिए वापस हुए, तो अपने परिवार में जब मेल होने के लिए आ रहा था, तो परिवार के लोगों ने वहां पर घी की दीपावली, घी के दीप जला करके दीपावली मना करके बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अयोध्या में लाया गया, बड़े प्रेम। और मैं सभी शास्त्री भाइयों से, बाकी कलाकारों से, भाई शास्त्री चीज एक विलक्षण है, तुम ये कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, सामने वाले और भी कलाकार हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, भाई ढाई अक्षर का नाम है शास्त्री, भाई चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, लेकिन उपाधि भाई ढाई अक्षर की है। अब फिर वहां से छोटे बड़े कहां से हो गए भाई, जब शास्त्री तुम भी हो, शास्त्री हम भी हैं, तो एक दूसरे में मेल बनाइए। दीपावली प्रेम का पर्व है, प्रेम के लिए दीपावली मनाई जाती है, आपस में प्रेम करें, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के तरफ गलत दृष्टि से देखें नहीं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों को कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करें, बस यही मेरा कहना है।
और छोटा बड़ा आज की दुनिया में न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। क्यों कि अगर शास्त्री तुम लिखते हो तो शास्त्री उसके भी आगे है ना। ढाई अक्षर का नाम आपको मिला है तो शास्त्री हो, शास्त्र की बात करो, शास्त्र से जुड़ करके चलो और शास्त्र के मर्यादा को तार-तार में बस वही यही कहना है। और संजय स्टूडियो को अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और कोशिश ये है जहां तक मेरा कोई छोटा भाई अगर कहीं पे संजय स्टूडियो के विरोध में आता है तो उसके मैं हाथ जोड़ करके नमन करके उसको संजय स्टूडियो को लाने की फिर से कोशिश करूंगा। यही मेरी आशा है, यही आकांक्षा है और संजय स्टूडियो को बार बार अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ। और संजय से मेरा कहना है आप अपने कर्तव्य को करते रहो, आगे बढ़ते जाओ, जनता आपको प्यार दे रही है वो देती रहेगी। जय श्री राधे। देखिए बहुत बहुत सुंदर विचार शास्त्री जी की जन्म के सौजन्य से बड़े सुंदर विचार आए। लेकिन इस वार्ता में थोड़ी देर के लिए आपको भेंट करना होगा। हेलो, इसका खंडन में आपके बीच में हमारे सम्माननीय अभी शास्त्री जी बोल करके गए हैं, मैं उनके सम्मान आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको उमाकांत जी महाराज जी के माध्यम से इस बात को थोड़ा विस्तार से सुनवाऊंगा। कहते हैं ऐसा बताया जाता है कि दीपावली राम के उपलक्ष्य में नहीं मनाई है, लेकिन मानस पीयूष रामायण में शास्त्री जी मानस पीयूष रामायण में ऐसा लेख बताते हैं, मैंने तो नहीं देखा है, ऐसा बताते हैं कि राम आगे चैत महीने का जो आधा भाग होता है जैसे होता तो लगत तो ऐसे ही आधे चैत और सप्तमी के दिन भगवान राम यानी अयोध्या को वापस आए ऐसा बताते हैं, हैं? तो अब एक बात बताओ, मैं शास्त्री जी का विरोध और उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं जनता को ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है। बबलू भैया है ना, ऐसा बताते हैं कि आधे चैत सप्तमी को और भगवान राम अयोध्या में वापस आए हैं और दीपावली मन पड़ती है कार्तिक के महीना, खाली कार्तिक का है तो महीना चल रहा, तो अब ये मेरी कल्पना में नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। तो इस बात को मैं अभी थोड़ी देर बाद परम पूजनीय यानी उमाकांत जी महाराज जी के माध्यम से इसको बिल्कुल खंडन कराऊंगा। वैसे एक जगह ऐसा बताते हैं कि ध्रुव महाराज आए थे आज के दिन, जो ध्रुव महाराज और जो तपस्या के लिए गए थे तो जब वापस आए थे तो ऐसा बताया जाता है कि आज के ही दिन वापस आए थे। इस बात को सही तरीके से पंडित जी के द्वारा यानी उमाकांत जी महाराज जी के माध्यम से थोड़ा सा इस पर भी जरूरत पड़ेगी आपके बीच में भी। तो इसी श्रृंखला में बड़े सुंदर विचार हैं और आगे की कड़ी में होंगे अजय शास्त्री जी। अजय शास्त्री जी आए और संजय स्टूडियो के उपलक्ष में दो शब्द रखें। भैया जी के लिए बहुत बहुत आभार है कि काफी दूर से चल करके आए हैं। देखिए कभी कभी कहीं किसी स्टूडियो का उद्घाटन होता है या किसी स्टूडियो का कुछ होता है तो बड़े बड़े कलाकार आते हैं, लेकिन भैया हमेशा ध्यान रखना यूट्यूब पर जो दर्शक बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं उनसे मेरा कहना होगा कि जो बड़े हैं बड़ा कौन होता, खजूर का पेड़ वो एक दिन महाराज झुककर के नीचे आता, लेकिन जो छोटा होता वो कभी झुकता नहीं है। ये छोटे कलाकार जो हैं वो महाराज एक दिन बढ़ेंगे झुकेंगे नहीं। जो अगले को अहंकार में कर देते हैं कि हम शास्त्री हैं, कोई कह रहा है महाराज कि हम सुपरस्टार हैं, कोई कह रहा है हम स्टार हैं, लेकिन महाराज तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं, तुम्हारी आंखों की शर्म कौन ले गया है? जो राम का भक्त होता है वो कभी सुपरस्टार नहीं हो सकता है। भगवान का जो नाम लेता है, भगवान का जो राम बात करता है वो कभी महाराज सुपरस्टार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान से बड़ा बन रहा है। कहता कि मैं सुपरस्टार हूँ, तेरी आंखों की शर्म कौन ले गया है? सुपरस्टार उसको कहते हैं महाराज कभी अपने को सुपरस्टार नहीं दिखता है। मैं किसी का नाम लेकर के महाराज माफी चाहूंगा, जो सुपरस्टार बने बैठे हैं मैं उनके नाम तो नहीं ले रहा हूँ और नाम लूंगा, क्योंकि नाम को लेने के लिए तुम ही लोग काफी हो,
नाम लेने के लिए तो आप ही काफी हो। तो अगर किसी के माध्यम से छोटी सी गलती हो जाए तो महाराज बाबू खेच कर किलेदार खेच के नहीं रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना है तो उसका सहयोग करिए और कहिए कि तूने ये त्रुटि की है, गलती की है, इसका सुधार करो। ये नहीं है कि महाराज उससे छोटी सी गलती हो गई तो उसे महाराज इतना बड़ा दंड। मैं इस यूट्यूब के दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने से कभी भी किसी कलाकार को छोटा मानने की कोशिश न करें। अगर छोटा मानने की कोशिश करोगे तो देखा होगा कि राइफल बंदूक कितनी बड़ी होती है, वो बंदूक किसी को मार नहीं सकती, लेकिन उसमें जो कारतूस डाला जाता है वो केवल इतना बड़ा होता है। जो महाराज सीने में लग जाए तो सीना छलनी, पैर में लग जाए तो पैर छलनी और मस्तक में लग जाए तो मस्तक छलनी। महाराज बंदूक कभी मार नहीं सकती है, मारने वाला तो कारतूस होता है, कारतूस होता है छोटा, तो छोटों से कभी उलझने की कोशिश ना करें। बड़े कलाकार से ये मेरा दावा है। चींटी हाथी को बचाते की कितनी छोटी होती है, और वही चींटी अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो हाथी को बचा के रख देती है। ध्यान रखना, मैं काफी समय से तुम लोगों के बारे में चर्चा सुन रहा हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। और आगे अजय भैया जी हमें और अपने जो भी शब्द हो संजय स्टूडियो के लिए वो अपने विचार रखे। अजय भैया जी एक एक नाम और बढ़ा लो। विरम माधव जी मैं दीपावली के अवसर पर सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मेरी तरफ से राम नाम राधे राधे। यहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। सबसे मैं तो यही कहूंगा, हमारे सोनू भैया जी कह रहे थे कि सुपरस्टार अपने को मत समझो, ऊंचाइयों को छूने वाला इंसान हमेशा गिरता है, धीमे 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 जो चलता है वो मंजिल को पार कर जाता है, और जो तेज गति से भागने वाला कभी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता। नाम नाम के बारे में बता रहे थे हमारे सोनू भैया जी, कह रहे थे कि नाम सुपरस्टार लिए कि शास्त्री हैं, सुपरस्टार हो गए, लेकिन अरे विनम्रता तो उनकी नाम से चलती है, जिनके नाम के पीछे दास लगा हुआ। एक कबीर दास ने, रे दास ने, तुलसीदास बताओ इनके नाम के पीछे कितनी विनम्रता लगती है। बनना है तो रैदास बनो, कबीरदास बनो, तुलसीदास बनो, सूरदास बनो, जितने छोटे बनकर के चलोगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, और बड़े बनकर के चलोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने तो यही अपने गुरुजनों से, अपने भाइयों से, यहाँ पर रहते रहते बहुत दूर दूर के शास्त्रीय जन रहते हैं हमारे सामने, उन सब से यही सीखा है, यही सुना है और यही मैंने पाया है। माँ और पिता की जो लोग सेवा करते हैं उनकी जीवन में हार नहीं होगी, और जो लोग अपने माँ और पिता की सेवा नहीं करते उन्हें जीवन में कभी प्रगति नहीं मिलती। मैं तो यही कहूंगा संजय स्टूडियो के माध्यम से श्याम सुंदर भैया जी, जब मैं यहां पर आया था पहली बार तो यहां पर बहुत छोटा सा काम करता था, लेकिन परमात्मा की ऐसी हमारे सभी भाइयों के सहयोग से संजय स्टूडियो का नाम आज बढ़ता जा रहा है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी बहने, हमारे भाई बंधु हैं, जेष्ठ भ्राता जी, नव भ्राता जी सभी बैठे हुए हैं संजय स्टूडियो में। मैं तो सबसे यही कहूंगा भैया आते रहो, सहयोग करते रहो, जिससे हमारे संजय भैया का स्टूडियो आगे बढ़ता रहे। राधे राधे। हेलो, देखिए अजय भैया के बड़े सुंदर विचार आप लोगों ने सुने। YouTube के माध्यम से भैया जी ने कहा
कि वो सबसे बड़ा भाग्यवान होता है जो अपने माता और पिता की सेवा करता है। और वास्तव में हकीकत है, एक बार जब राम वनवास के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा था कि भैया राम मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। तुम्हारा राम ने कहा भैया लक्ष्मण वन को तो चलोगे लेकिन अपनी माँ से सुमित्रा से तो पूछ लो कि वो तुम्हें जाने देगी या नहीं देगी। तुम्हारा लक्ष्मण अपनी मैया सुमित्रा के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि भैया मेरी कामना है कि मैं भैया राम के साथ वन में चले जाऊं। तो देखिए सुमित्रा ने क्या कहा था भैया कि हे बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई। क्या कहा था पंडित जी? यानी सुमित्रा ने कहा था कि बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई, आज से पहले मैंने तुझे पैदा तो किया लेकिन आज से पहले मैं पुत्रवती नहीं थी। क्यों? चौपाई ने साफ साफ लिखा है कि पुत्रवती जगती पुत्रवती जुवती जगत होई और रघुवर भगत जास सुत होई। जिस मैया का बेटा भगवान का भक्त हो जाए महाराज हम उस मैया को पुत्रवती कहने के अधिकारी हैं। तो भैया इसी श्रृंखला में आगे हमारे बीच में यानी हमारे भाई ध्रुव माधव जी आए और अपने विचार रखें कि संजय स्टूडियो को पक्ष में जो भी कहना चाहे। राहुल शास्त्री जी आए और अपने दो शब्द संजय स्टूडियो को पक्ष में रखे। आ जाओ बेटा। यहाँ पर संजय स्टूडियो में हमारे सभी बड़े भाई हमारे गुरुदेव के समान हैं और जो कुछ भी किया और आपने सुना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए इनके शब्द नहीं है इनके लिए। और हमारे परम पूज्य हुए साहब बैठे हुए हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं कृपा है और हमारे संजय स्टूडियो में आना हुआ, इनके स्वदेश से आना हुआ और सभी भाइयों से यूट्यूब पर ये संजय स्टूडियो का धमाका चल रहा है तो सभी से कहना है कि हमारे संजय स्टूडियो को लाइक और कमेंट करें और इससे आगे की ओर ऊंचा बढ़ाएं सही भाइयों के लिए राधे राधे। और इससे मेरे पास कोई शब्द नहीं, जो कुछ भी सुना था मेरे बड़े भाइयों ने कह दिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल शास्त्री जी के लिए। तो भैया कितने सुंदर विचार रखिए। तो इसी श्रृंखला में आगे की कड़ी में सचिन माधव जी। देखिए भैया आज मैं उन कलाकारों को आपके बीच में दर्शा रहा हूँ, उन कलाकारों को जो महाराज बड़े बड़े कलाकार मिले तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन उन बड़े कलाकारों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि इस संसार में छोटे कलाकार भी हैं और छोटे कलाकारों से उलझने की कोशिश न करें। छोटे कलाकार बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। तो एक छोटे से कलाकार सचिन माधव जी आपके बीच में दो शब्द रखेंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड माय गुड विशेस ऑल विद यू एंड आई एम नॉट ए शास्त्री बट आई एम ए पंडित सिंगर। आई प्राउड ऑफ माय ऑल एल्डर एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई एम नॉट ए एक्चुअली अवेलेबल नोटिफिकेशन। I don't take amount for you. I am only some agriculture and I proud of my culture, Indian culture, that I proud of it. And I am not a best and big artist. I am a small artist and you all love me. So I cannot forget you. और मेरे साथ
मेरा विशेष सहयोग रहा है मेरे परम गुरुदेव अजय शास्त्री जी और बहुलू भैया का, जिनकी वजह से जो कुछ भी आगे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, जिन्होंने इस नाम चीज को एक चीज के रूप में पनपाया। मैं तो एक कीड़े के समान था जिसकी मतलब कोई बूझ नहीं थी, जिसको आज एक चीज बना के आप लोगों के सामने पेश किया, तो मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आप उनका आभार व्यक्त कर सकूं। तो मैं तो सभी जितने भी बड़े कलाकार हैं सभी का मिश्रा सहयोग रहा है और नहीं मैं किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, किसी के साथ अपनी बाड़ी प्रणाम देता हूँ। जय श्री राधे, आप सभी की दीपावली बहुत ही मंगलमय हो और जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भैया के लिए। सचिन भैया से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज के बाद किसी भी बात पर खड़े होकर के बोले तो जो भी इंग्लिश में बोले, अंग्रेजी में जो भी बोले उस पर हिंदी में अवश्य किया करें, क्योंकि हम जैसे कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अंग्रेजी को नाम ही ना जानते हैं, अंग्रेजी का शुक्र है। और नारायणी सेना है, नहीं नहीं देखिए वैसे मैं जानता हूँ ये संजय स्टूडियो जो है महाराज ये बच्चा पार्टी से ही चल रहा है, इस स्टूडियो पर कोई बड़ा कलाकार नहीं है, सब छोटे छोटे कलाकार हैं। लेकिन भैया मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि छोटे कलाकार ही इस स्टूडियो को और गुरु कृपा से आप सभी कलाकार को अपने गुरु की कृपा से, माँ बेहड़वाली की कृपा से और परम पिता परमात्मा की कृपा से ये कामना किए हुए बैठे हैं सभी कलाकार। एक दिन हम उठे चल न उठे लेकिन इस स्टूडियो को एक बार उठा करके छोड़ेंगे, ये कर सभी कलाकारों का है। तो आ जाइए अब लास्ट श्रृंखला में, देखिए अभी थोड़ी सी एक बात और रहेगी जेपी भैया, यानी सचिन माधव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर हमारे गुरु अजय और बबलू भैया की महान कृपा रही। तो मैं आज से कहूंगा कि भैया वास्तविक कुछ अंशीगर ऐसे होते हैं, कछु अंशीगर ऐसे होते महाराज तो अपने गुरु की बलता हमेशा किया करते हैं, लेकिन कुछ कलाकार बड़े ऐसे हैं महाराज जो सिखाए का उन्हें और महाराज अपने गुरु पे ही तलवार चला रहे अपने गुरु पे ही, ऐसे छोटे कलाकार कभी नहीं करते। छोटे कलाकार हमेशा एहसान मानते हैं, चाहे गुरु हो चाहे बड़ा भाई हो चाहे बड़ा कलाकार हो। तो इसी श्रृंखला में यानी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, वो अपने यानी मेरे प्रश्नों को पहले कानों से सुने उसके बाद में आपके बीच में आएंगे और दो शब्द आपके बीच में दर्शाएंगे। सबसे प्रथम प्रश्न है कि शास्त्री कौन है। आज बड़े कलाकारों को यह दर्शा देंगे कि शास्त्री है कौन। हमने भी लिख लिया शास्त्री और कल एक बाजा बजा सिक्को बेल लिख रहे होंगे शास्त्री, एक गाना किसी का हित हो गया किसी तरीके से वो भी लिखता है कि शास्त्री। प्रथम कौन उमागंत जी महाराज जी, प्रथम कौन कि शास्त्री कौन है। दूसरी बात, कुछ शास्त्री इस बात को कहते हैं, वैसे मैं तो उनको शास्त्री नहीं कह रहा हूं लेकिन वो लिख रहे हैं तो मुझे नाम तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा लेकिन नाम किसी का नहीं लूंगा। बहुत से क्या कहते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, हम समाज को सुधारने का बीड़ा उठाए हुए, हम समाज को सुधार करके छोड़ेंगे। तेरे बाप की औकात का है जो समाज को बाद में सुधारना, पहले तू खुद सुधर जा, पहले तू खुद सुधर जा उसके बाद में समाज को सुधारना। तीसरी बात ध्यान रखना, उमाकांत जी महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर ठोस, ऐसा नहीं हो मैं तुम्हारे ही बल पर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर कोई मेरा कत्ल करेगा मैं तुम्हें बुलाने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने ज्ञान की बात फेंकी तो तुम्हारा ऐसे मान के चलो टेंटुआ से लेकर खून पीना होगा लेकिन तुमको उसका जवाब देना होगा। शास्त्री कौन। दूसरी बात मैंने क्या रखी जाएगी भैया, दूसरी बात मैंने क्या रखा बोलो, समाज सुधारक है। तीसरी बात कि लड़कियां कथा पढ़ेंगी, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं जो मेरे पास कमेंट करके भेजे, कमेंट करके मत भेजना, सीधा कह रहा हूं सबसे कह रहा हूं जो इस बात को कहते हैं, एक नहीं कहता सभी कहते हैं,
लेकिन मैं तो जमान लोग सबक कह रहा हूँ और गुनाह कह रहा हूँ। बहुत से क्या कहते हैं कि लड़कियां कथा पढ़ेंगी, तो पंडित जी से मैं ये कहूंगा महाराज जी से कि लड़कियां कथा पढ़ेंगी तो क्यों पढ़ेंगी और नहीं पढ़ेंगी तो क्यों नहीं पढ़ेंगी, इसका खंडन करके हमें उमाकांत जी महाराज जी देंगे। और फिर अपना कोई नया प्रश्न आ गया तो मैं पूछ सकता हूँ, पहले हमें तीन प्रश्नों का जवाब यानी उमाकांत जी महाराज देंगे यहाँ के माध्यम से आए। और उमाकांत जी महाराज से हमारा निवेदन है कि आप अपने नजर मांग से और हम लोगों को संबोधित करें और हमारे अंदर जो भय है, हमारे अंदर जो यानी जो बातें खुल रही हैं उन बातों का विस्तार करें। आ जाए नाना है दरवा है मुख्य अतिथि के तो दरवाजे दो अरे राधे श्याम डालो हां डालो यहां बैठे हुए मेरे छोटे एवं बड़े भाई आपको मेरी जय श्री कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवं कंस चाड़ोरवरदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले कृष्ण कन्हैयालाल हमारे यहाँ बैठे हुए भाई हमारी मित्र मंडली है और बाल मंडली के सहयोग से ये YouTube चैनल संदेश स्टूडियो चलाया जा रहा है। तो हमारे अभी सोनू भैया ने पूछा पहला प्रश्न शास्त्री कौन है के शास्त्री किसको कहते। संजय भैया और मेरे बैठे हुए सभी भाइयों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ढोलक बजाने वाला कथा कहने वाला बाजा बजाने वाला छंद सवैया दोहा गाने वाला उसको हम शास्त्री नहीं कहते। शास्त्री कथा कहने वाले को हम नहीं कह सकते। शास्त्री जो होता है वो एक डिप्लोमा होता है, जैसे कि जो संस्कृत से बीए कर लेता है ना उसको शास्त्री कहा जाता है, चाहे वो भागवत कहे ना जाने या न जाने। डिप्लोमा का नाम शास्त्री है, संस्कृत से बीए करने पर उसको हम शास्त्री कहेंगे। और ऐसे तो दुनिया में आपको मालूम है कि गायकों से जो कहते हैं हम शास्त्री नहीं हम तो गायक हैं, तो ये भी हम जानते हैं कि गाय किसको कहते हैं। झाड़ी चौक लावनी आरा सोटा गाने वालों को हम गाय नहीं बोलते हैं, ये तो वो होते हैं जो कि अच्छी अच्छी कविताओं का नाश कर किया जाता है ना। गाय किसको कहते हैं दुर्पक गाइए, शास्त्री संगीत में देशराग गाइए, मालकोश गाइए, इनको बहनी गाइए, भैंतरी गाइए, ये ठुमरी गाइए, दादा गाइए, गजल गाइए, ये पक्के रागों को गायक बोलते हैं, आरा उदल वाले को हम गायक नहीं बोलते हैं। तो शास्त्री एक डिप्लोमा का नाम है, संस्कृत से ये कर लेता है, चाहे वो कथा कहना जाने या नहीं जाने उसी को हम आचार्य कहते हैं। आरा जी आरा घर वाले क्या बोला जाएगा आरा बोलो अनाड़ी गायक है, अनाड़ी दूसरी बात हमारे तो देखिए जब हमारा परमात्मा सुधारने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, जब हमारे आप सबके कर्म कोई करते हैं तो कर्म हमें पहले ही मना करते हैं, हमारी अंदर आत्मा मना करते हैं कि ये काम गलत है और सबसे बड़ा भगवान जो है आत्मा है,
कोई गलत काम करने जाते तो हमारी अपमान करती है इसको मत कर और अभी हमको उसको करना है। जब भगवान सही सुधार पा रहा है तो हमारी तुम्हारी छोटे बड़े हो आदमियों की आचार्यों की औकात नहीं है हम किसी को सुधार पाए। ऐसा है ना कि केवल दशा दिखा रहे हैं, चल जाएगा तो तेरा कल्याण होगा और नहीं चलेगा तो तू मरेगा, है ना। इसलिए समाज सुधार को उसको कहते हैं जो पहले खुद सुधर जाए, तो हमारे सोनू भाई ने बताया पहले हम खुद सुधरेंगे उसके बाद दूसरे को दिशा निर्देश देंगे। तो ठीक बात है, हम खुद गंदे हैं और दूसरों को साफ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, बात तो हो गई। तीसरी बात, हमारे सोनू भैया भी बोल रहे थे कि लड़कियां हैं क्या भागवत की कथा कह सकती है या नहीं आते। तो देखिए, कहीं भागवत में, कहीं राम कथा में, पद्म पुराण में, गीता में, पीयूष मानस में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कहीं ये नहीं आया कि लड़कियां व्यास गर्भी पर बैठे। हाँ, सत्संग के रूप में अगर चाहें तो वो प्रवचन दे सकती हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि हम श्रीमद्भागवत कथा कर सकती हैं तो ऐसा कभी दिखा नहीं करने को। तो जो भी कर रहा है वो अच्छे कर रहे हैं और करते रहिए, हमें उससे कोई गिलानी नहीं है। परंतु तो सभी आचार्यों से जो हमारे पुरुष भाई है उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहां पर भी आप कथा कहें, जहां पर भी श्री भागवत जी कहें, राम कथा कहें, उनसे सबसे मेरी प्रार्थनाएं कहें, लेकिन वो सोनू भैया मर्यादा के अंदर कहें। मंच पर बैठ के बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि दारू का जो लोग सेवन कर रहे हैं उनसे मेरी करवा तो प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कृपया भागवत जी को आप बदनाम न करें। और कभी भी आप कथा कहें तो भागवत की गांठ बांध के आप कतई मंच पर न रखें, क्योंकि भागवत हमें सुंदर ज्ञान देती है। जब तक उस भागवत को खोलेंगे नहीं आप, तब तक हमें शक्ति नहीं मिलेगी। हम अपने यहाँ रामायण पढ़ाते हैं, अखंड रामायण, तो उसको खोल के सामने रख लेते हैं ना, तभी तो उसका पाठ माना जाता है। और आजकल के हम जैसे आचरण में खुद भी कह रहा हूँ, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, भागवत होगी साथ में और भागवत की गांठ खोली नहीं है। तो कम से कम मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप भागवत कहें, अच्छी बात है, कोई हमें आपसे बुराई नहीं है, लेकिन मर्यादा के अंदर वो श्रीमद् भागवत कथा कहें। और ये जींस पैंट शर्ट ना पहन के मंच पर बैठे, कुर्ता पजामी पहन के ना मंच पर बैठे, धोती पहन करके मंच पर बैठना, ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे तुम्हारे बुजुर्गों ने अधिकार, ये मंच के आभूषण है ये जींस और ये पजामी, ये मंच के आभूषण है। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप मर्यादा के अंदर वेदों का वाचन करें। और मैं सभी छोटे भाइयों से कहता हूं, अगर कभी भी कोई चीज आप नहीं जान पाते हैं और आपसे कोई बड़ा जानता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, तो आपके लिए मैं सदैव तत्पश्चात तैयार रहूंगा। और सभी से अनुरोध करता हूं कि संजय डिजिटल साउंड को विशेष आगे बढ़ाएं और सब इसमें सहयोग करें, क्योंकि श्याम सुंदर भैया मेरे परम मित्र बचपन के हैं, जो 25 साल पहले से दोनों साथ चले आ रहे हैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग इसका सहयोग करें। मेरी ओर से दीपावली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय। देखिए, सभी यूट्यूब के दर्शकों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने बहुत सारे वक्ताओं के मुखार रूप से ये शब्द सुने होंगे कि शास्त्री की परिभाषा क्या है, लड़कियों को कथा पढ़नी चाहिए कि न पढ़नी चाहिए। कुछ कह देते हैं कि पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं कि न पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन महाराज एक चीज बताऊं, रामायण में विवेक मिला है के वेद पुराण में ही लिखा है। ये क्या लिखा है लड़कियों के बारे में बता रहा हूं कि अवगुण आठ सदा और रहे ही।